और अब खबर घाटी से, जहां आतंकियों ने बीजेपी के युवा नेता की हत्या कर दी। मातम की ये तस्वीरें उस वक्त की है जब गौहर अहमद का जनाजा घर से निकल रहा था। हजारों की संख्या में गांव वाले और आसपास के लोग गौहर को अंतिम विदाई देने उनके गांव पहुंचे थे। पूरी सड़क लोगों से भरी हुई थी। जनाजे में शामिल लोग रो रहे थे। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपिया की हैं। कल बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौहर अहमद का शव उनके घर से कुछ दूर एक बाग में मिला था। बताया जा रहा है कि 30 साल के गौहर की हत्या आतंकवादियों ने की है। किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं की जो लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, उनकी हत्या होना इसका लोकतंत्र पर हमला है। तो सभी दलों ने एक साथ आकर ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या का निंदा करनी चाहिए और हम मुकाबला करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के कई और बड़े नेताओं ने भी ट्वीट करके अपने कार्यकर्ता की हत्या की निंदा की है। श्रीनगर पार्टी ऑफिस में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस बीच सेना ने साफ तौर पर कहा है कि घाटी को आतंक से बहुत जल्द मुक्त करा लिया जाएगा। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की ये तस्वीरें महीने भर पुरानी हैं। सेना के मुताबिक बीते 6 महीने में सुरक्षा बलों ने घाटी में 80 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 115 आतंकी अब भी घाटी में सक्रिय हैं। जो कार्रवाई हम पिछली 6-7 महीने से कर रहे हैं, जिसके अंदर तकरीबन 80 टेररिस्ट हम न्यूट्रलाइज किया है और जिसके अंदर काफी टॉप लीडरशिप थे। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना की विक्टर फोर्स ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। इस ऑपरेशन के तहत हर 1-2 दिन में 2-4 आतंकी निपट रहे हैं। सेना के मुताबिक घाटी में सक्रिय 100 आतंकी स्थानीय और 15 विदेशी हैं। स्थानीय आतंकियों में भी ज्यादातर बीते 1-1.5 साल के दौरान ही आतंकी बने। इस साल अबू दुजाना, अबू इस्माइल सहित घाटी के दर्जन भर बड़े आतंकी भी मारे जा चुके हैं। इधर ऑपरेशन ऑल आउट में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। सलामी के बीच तिरंगे में लिपटे हुए शहीदों का शव श्रीनगर मुख्यालय में लाया जाता है। शहीद सूरज सिंह और शहीद प्रदीप को सेना के बड़े अफसर सलामी देते हैं और फिर भारत माता के वीर सपूतों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए सूरज और प्रदीप शहीद हुए। वीर जवानों ने एक आतंकी को भी मार गिराया। 22 साल के प्रदीप अहमदाबाद और 25 साल के सूरज उत्तराखंड के चमौली के रहने वाले थे। इधर पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में शहीद हुए जवान को आज सेना ने अंतिम विदाई दी। शहादत की धुन से शहीद तपन को सलामी दी जा रही है। जवानों के सिर शहीद तपन के सम्मान में झुके हुए हैं। कल जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर पर सीज फायर में शहीद हुए बेसब जवान तपन मंडल को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। 25 साल के तपन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सुतई गांव के रहने वाले थे। शहीद तपन अपने पीछे पत्नी सुमित्रा और माँ को छोड़ गए हैं। इधर आईएस के संदिग्ध आतंकी की फायरिंग वाला वीडियो सामने आया है। बंदूक से फायरिंग करने वाला ये वीडियो कहां का है ये तो पता नहीं चला है, लेकिन फायरिंग करने वाला ये वही उबेद मिर्जा है जिसे पिछले दिनों एटीएस ने आईएस के आतंकी होने के शक में गिरफ्तार किया था। दूसरी बार हो गया, रुक जा। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। उबेद मिर्जा सूरत का रहने वाला है। उबेद यहाँ रेस्टोरेंट चलाता है। सूरत कोर्ट में वकील की प्रैक्टिस भी करता है। 26 अक्टूबर को उबेद के साथ एटीएस ने कासिम नाम के संदिग्ध आतंकी को भी पकड़ा था। ये दोनों गुजरात चुनाव में हिंसा की प्लानिंग कर रहे थे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।